इंडियन आइडल की 17 साल की हिस्ट्री में पहली बार होगा पावर प्ले। क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आइडल 12 की, जहां एक से बढ़कर एक धुरंधर सिंगर्स आए हैं और ये ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, वैसे ही और भी ज़्यादा एक्साइट बढ़ती जा रही है ऑडियंस के बीच। और ऐसे में इंडियन आइडल के मेकर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है, पावर प्ले। पावर प्ले मतलब कि अब आने वाले कई हफ्तों तक कोई भी इलिमिनेशन नहीं होगी और लगातार वोटिंग जारी रहेगी। जी हाँ, लगातार वोटिंग जारी रहेगी कई हफ्तों तक, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट कर पाएं। और पावर प्ले के अंत में जिस कंटेस्टेंट के कम वोट्स होंगे वो होंगे शो से बाहर, और जिनके वोट होंगे सबसे ज्यादा वो जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। अभी हाल ही में पवनदीप राजन, आशीष और सवाई भट्ट को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। ऐसे में पावर प्ले उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि एक तो इन तीनों को रिकवर होने का टाइम मिलेगा और दूसरा इनके फैंस भी ताबड़तोड़ वोटिंग कर सकते हैं इनको ग्रैंड फिनाले में पहुंचाने के लिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पावर प्ले का फैसला कैसा लगा और कौन है इंडियन आइडल 12 में आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट। कमेंट जरूर करिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।